नमस्कार, टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं नई कविता लेकर फिर से आपके सामने आया हूं और आज की इस कविता के माध्यम से आप पीएच मान बहुत ही सरल तरीके से याद रख सकते हैं। तो आइए इस कविता को देखते हैं और कैसे इसे पीएच मान याद रखा जा सकता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं, जहां बगल में आपको पीएच मान भी दिया गया है और इस कविता के माध्यम से हम लोग सारे पीएच मान को कैसे याद रखेंगे। तो रसायन के इस पीएच दौड़ में नींबू ने 2.2 से 2.4 की दौड़ लगाई। रसायन के इस पीएच दौड़ में नींबू ने 2.2 से 2.4 की दौड़ लगाई। तो आप देख रहे हैं नींबू का पीएच वैल्यू आप याद कर चुके हैं। 2.4 पर खड़ा सिरका ने, 2.4 पर खड़ा सिरका ने पूछा, कैसे हो नींबू भाई, क्या तुम्हें 3.4 तक पहुंचा दूं या 2.8 की शराब मंगा दूं। तो भाई सिरका 2.4 से 3.4 तक और 2.8 की शराब मंगा दूं, जिसे पीकर तुम शायद 3.8 तक पहुंच जाओगे। तो भाई शराब 2.8 से 3.8, जिसे पीकर तुम शायद 3.8 तक पहुंच जाओगे, 4-5 बोतल बियर संग सबसे आगे कहलाओगे। तो बियर 4 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट तक सबसे आगे कहलाओगे, 4-5 बोतल बियर संग सबसे आगे कहलाओगे। तो भाई इस तरह से यहाँ सिरका ने नींबू से कहा, नींबू ने 2.2 से 2.4 की दौड़ लगा रहा था नींबू जब, तो भाई 2.4 पर खड़ा सिरका ने कहा कि भाई नींबू भाई कैसे हो, और चलो मैं तुम्हें 3.4 तक पहुंचा देता हूं और 2.8 की शराब मंगा देता हूं, जिसे पीकर तुम 3.8 तक पहुंच जाओगे और 4-5 बोतल बियर के संग तुम सबसे आगे पहुंच जाओगे। मतलब बियर के 4-5 बोतल ले लो और उसके सबसे आगे पहुंच जाओगे। अब भाई इतनी कहना था कि नींबू जो है क्रोधित हो गया, और उसके बाद देखते हैं नींबू ने क्या कहा। तो आगे कविता में देखते हैं भाई। तो यहाँ तक बियर का 4 से 5 जो पीएच वैल्यू होता है वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब टमाटर का जूस के बारे में बात करते हैं। तो टमाटर सा लाल होकर नींबू ने, मतलब नींबू को गुस्सा आ गया और वो टमाटर की तरह लाल हो गया। तो टमाटर सा लाल होकर नींबू ने कहा, सुन प्यारे सिरका भाई, 4 गिलास जूस पीकर मैंने 4.4 की दौड़ लगाई। तो टमाटर जूस 4 से 4.4। तो टमाटर सा लाल होकर नींबू ने क्या कहा, कहा सुन प्यारे सिरका भाई, 4 गिलास जूस पीकर मैंने 4.4 तक की दौड़ लगाई। 4.5 से 5.5 तक काफ़ी है रिकॉर्ड बनाई। तो भाई नींबू ने रिकॉर्ड बनाया है, काफ़ी काफ़ी रिकॉर्ड। तो काफ़ी काफ़ी का आप जानते ही हो, 4.5 से 5.5, तो 4.5 से 5.5 तक काफ़ी है रिकॉर्ड बनाई। लार टपकती है जब मैं 6.5 से 7.5 के दौड़ में जाता। तो भाई लार टपकती है जब मैं 6.5 से 7.5 के दौड़ में जाता, 5.5 से 7.5 तक पैंट मेरा गीला हो जाता। तो देखो भाई मानो लार जो आप जानते हो 6.5 से 7.5, और पेंट मेरा गीला हो जाता, मतलब आप जान ही रहे हो मानव मूत्र 5.5 से 7.5। तो 5.5 से 7.5 तक पेंट मेरा गीला हो जाता, इसलिए कहता हूँ मेरे भाई तुम शराब के बदले दूध मंगाओ। तो भाई दूध, हाँ भाई दूध। तो इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, तो अब टमाटर कह रहा है सिरका से कि भाई तुम शराब के बदले दूध मंगाओ। हाँ सही बात है भाई, शराब पीना नहीं चाहिए, खराब चीज़ है। तो इसलिए कहता हूँ मेरे भाई तुम शराब के बदले दूध मंगाओ, नशा छोड़ ताकत से अपने 6.4 की दौड़ लगाओ। तो दूध जो 6.4 पीएच वैल्यू है, तो इसलिए भाई टमाटर ने कहा कि शराब को तुम छोड़कर और नशा को छोड़कर ताकत अपनी बढ़ाकर 6.4 की दौड़ लगाओ। तो दूध तक कंप्लीट हो चुका है। मानो रक्त बदलेगा जिस दिन 7.3 तक दौड़ जाओगे, मानो रक्त बदलेगा जिस दिन 7.3 तक दौड़ जाओगे, 7.5 तक पहुंचकर विश्व विजय कहलाओगे। हाँ भाई मानव रक्त 7.3 से 7.5। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि मानव रक्त बदलेगा जिस दिन, मतलब कि तुम्हारा खून बदल जाएगा, मतलब कि तुम जो ये नशा उशा छोड़कर अपने आप को, और जब तुम दूध पीकर और 6.4 तक दौड़ने लगोगे, तो एक दिन तुम्हारे अंदर वो जुनून आएगा और वो तुम्हारा रक्त तुम्हें 7.3 तक दौड़ने के लिए मजबूर कर देगा, और उस दिन तुम 7.5 भी पहुंच जाओगे और विश्व विजय कहलाओगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सिरका और नींबू की एक छोटी सी कहानी इस कविता के माध्यम से, जिससे आप सारे पीएच वैल्यू को याद रख सकते हैं। तो चलो भाई मैं लगातार कविता को एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। रसायन के इस पीएच दौड़ में नींबू ने 2.2 से 2.4 की दौड़ लगाई।
2.4 पर खड़ा सिरका ने कहा ने पूछा कैसे हो नींबू भाई। कहा तुम्हें 3.4 तक पहुंचा दूं या 2.8 की शराब मंगा दूं जिसे पीकर तुम शायद 3.8 तक पहुंच जाओगे, 4-5 बोतल बियर संग सबसे आगे कहलाओगे। टमाटर सा लाल होकर नींबू ने कहा सुन प्यारे सिरका भाई, 4 गिलास जूस पीकर मैंने 4.4 तक की दौड़ लगाई। 4.4 से 5.5 तक काफ़ी है रिकॉर्ड बनाई, लार टपकती है जब मैं 6.5 से 7.5 के दौड़ में जाता, 5.5 से 7.5 तक पैंट मेरा गीला हो जाता। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई तुम शराब के बदले दूध मंगाओ, नशा छोड़ ताकत से अपने 6.4 का दौड़ लगाओ, मानो रक्त बदलेगा जिस दिन 7.3 तक दौड़ जाओगे, 7.5 तक पहुंचकर विश्व विजय कहलाओगे, विश्व विजय कहलाओगे। तो चलिए इसी विश्व विजय के साथ आज की कविता को समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर कुछ नई कविता लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।